अगर ये असलियत सबको पता चल गई तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्चना अर्चना, इससे बेहतर होगा कि हम बैठकर इस मुश्किल का कोई हल निकालें। और अर्चना, मेरे पास हल है, तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वैशाली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अर्चना वैशाली माँ बनने वाली है, जब तुम उसे मेरी असलियत बता दोगी तो क्या होगा? हो सकता है वो ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाए, शायद वो खुदकुशी कर ले। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी अर्चना, जाओ जाकर उसको सारी असलियत बता दो। अर्चना मैं तो कहता हूं तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं कार में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैं ये बात वैशु को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वैशु अकेली नहीं, उसके पेट में बच्चा है। लेकिन अगर ये बात मैं छुपाती रही तो धर्मेश की हिम्मत और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो इससे भी बड़ी गलती करे। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे अब कोई ऐसा तोड़ निकालना होगा जिससे अर्चना वैशु तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि अगर वैशु को इस बात की भनक भी पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। क्या होगा हमारे वैशु का, उसके भविष्य का? वो प्रेग्नेंट है, तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आशा आशा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें धर्मेश से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई बात, हम फिर भी सोचेंगे क्या करना है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगर अर्चना ये बात बता भी दे तब भी वैशु को उस पर यकीन ना हो। तुम ये मेरा फोन लो, मेरे फोन से फोन करके सबको पार्टी के लिए इनवाइट करो। और हाँ, सबको ये भी बताना कि मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। ठीक है, तू आजी बनने वाली है का? अहो आइकलत का, वैशु कह रहे हैं कि हम नाना नानी बनने वाले हैं। क्या हम नाना नानी? अरे अगर माने करूँ अभिनंदन पंती लांगते सांगते। अभिनंदन बेटा, तुम्हारे बाबा भी बता रहे हैं। थैंक यू आई। मैं जान सकती हूँ ये पार्टी किस खुशी में? एक्चुअली मैं माँ बनने वाली और इसी खुशी में धर्मेश ने पार्टी अरेंज की। ठीक है चलिए, मैं रखती हूँ फोन, मुझे बहुत सारे लोगों को भी इनवाइट करना है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए और फिर सही मौका देख के सबको बताना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं। चिंता मत करो, आप अपने घर का पता दे दीजिए ना मुझे। वो क्या है ना, मुझे अर्चना से मिलने का बहुत मन है। एक जरूरी काम है मुझे, मैं ऐसे भी लेट हो गया हूँ तो मैं निकलता हूँ। मैं अगली बार जब भी आपसे मिलूंगा तो दे दूंगा। इन्हें क्या हो गया? कांग्रेस सर, थैंक यू। कांग्रेस मैनी, थैंक यू सो मच। देवंत, हमारे अपने जब हमारी खुशियों में शामिल होते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देवंत, देखो मेहता साहब वेट कर रहे होंगे। हाँ सर, हाय मैनी। वैशो, सुखी रहो। मैं पति से पिता बनने जा रहा हूँ। आई एम रियली ये यहाँ कैसे आ गया? वैशु को मेरी सच्चाई बताने तो नहीं आई है।